जी, तो समझ में आ गया अभी। अब ये देखो कि ये नंबर आ गए हैं, और नौ नंबर तीन कितनी बार आ रहा है उसके ग्रिड के अंदर बताइए। उसका सो 3 टाइम्स। क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक नंबर पांच मिसिंग है, सोच देखना। बोलिए। क्या प्रभाव पड़ेगा पारुल जी, क्या प्रभाव? जल्दी जल्दी बोलो, मेरा आंसर का वेट मत करो। नौ नंबर तीन बार आ रहा है पारुल रिग्रेशन जी। पड़ेगा सर, पेयरिंग पारुल होगी सर। जी, सर ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे। एरोगेंट क्यों हो जाएंगे भाई? तीन बार नहीं आ रहा ना ये, वन वन एक बार आया तो एरोगेंट हो जाएगा, तीन बार आ रहा है तो क्या हो जाएगी? अब बोलिए। सर एक तो ये बहुत केयरिंग हो गया, और बहुत सी बार अपनी केयरिंग नेचर की वजह से वापस उनको वो नहीं मिलेगा, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सही, इसको डोमिनेट ऐसा भी तो हो जाए, डोमिनेट हो जाएंगे बहुत। नहीं, डोमिनेशन नहीं होगा, तीन बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपको सर निगेटिव इम्पैक्ट। वो पड़ेगा क्या? नेगेटिव इंपैक्ट है ये, क्या प्रभाव पड़ेगा नौ का? और सात का क्या प्रभाव पड़ेगा? तीन बार आ रहा है तो उसके एक्शन प्लेन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। क्या प्रभाव पड़ेगा उसके एक्शन प्लेन पर? दो है क्या उसके पास? यस सर, दो है है क्या? टू दो नंबर, है, सात है, तो व्हाट अबाउट छह? छह नहीं है, नथिंग है सर। तो क्या अब उसको बनाइए, एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनाइए। बना लिया? क्या प्रभाव पड़ेगा नंबर सात का एक्शन प्लेन पर जो तीन बार आ रहा है? एक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा उसको? तो डिसअपॉइंटमेंट फील होगा क्योंकि बहुत जल्दबाजी जल्द एक्शन लेंगे। मैंने जो हो सकता है एक्शन में वो बहुत ज्यादा डीप थिंकर हो जाए या फिर वो डिसअपॉइंट हो जाए। नहीं क्योंकि कंटिन्यू किसी एक्शन को लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा है, सोचते सोचते जब तक मौका नहीं। ये वो सब वो निगेटिव है ना, यस सर, निगेटिव है ना, और छह जो मिसिंग है वो एक अप्रोच नहीं रहेगा, एक सिस्टम नहीं रहेगा उसके पास, कभी ये करेगी कभी वो करेगी। ओके ना, कंटिन्यूटी भी नहीं, यहाँ फिर एक्शन। नहीं, नहीं, नहीं रहेगी। आप देखिए, ये हो गया हमारा बेस। अब हस्बैंड का ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या प्रभाव पड़े। हम उसके हस्बैंड के चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे इसके चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में कौन से नंबर से सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजिट। उसी तरह से बच्चे के नंबर देखेंगे कौन से नंबर इसे इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहे हैं, जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कौन से नंबर उसे सपोर्ट दे रहे हैं, इस बात को हम गौर करेंगे। सबसे पहले ये देख, एवरेज कंपैटिबिलिटी है नहीं। बोलिए, ड्राइवर उस हस्बैंड का ड्राइवर क्या है? फोर। सर 4 4 सर, एंटी है सर। इसका इसका आठ है ना, इफ आई एम यस सर, रॉन्ग। दोनों एंटी है, एंटी है सर। इसका मतलब है
आठ और चार शादी हो सकती क्या? कंपैटिबल है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकती ना। तो ये केस मैं बताता हूं, ये बच्चा होने तक 2000 तक 2000 तो 2020 तक डाइवोर्स तक जा चुका था उसका केस। बच्चे में 6 नंबर अरे आ गए रुकिए ना रुकिए, अभी सर। अभी अभी रुकिए रुकिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसका डाइवोर्स तक जा चुका था, किसी तरह से इस रिश्ते को बचाया गया। ओके, अब यहाँ पर ड्राइवर कंपेटिबिलिटी नहीं है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। अब ये देखो नंबर कौन से स्वैपिंग हो रहे हैं दोनों के बीच, देखो कौन सर से। थ्री और हाँ जी, सेवन थ्री और सेवन, 4 और 8। 4A8 दोनों जो एंटी नंबर्स हैं वो स्वैपिंग हो रहे हैं। ओके, और ये नंबर कौन सा दे रही है? सर ये 8 दे रहे वो हैं, वो 4 दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। और एक थ्री और अब सेवन। यहां पर गौर करो, कि गौर करना है, ये 3 दे रहा है और वो 7 दे रही, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 7 जो है चार फिजिकल इंडायरेक्ट फिजिकल है, और 7 उसके पास 3 बार है, ये भी गौर करो। आसन में तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? क्या प्रभाव पड़ेगा इस केस का? अब ये देखो, ये 3 और 7 का क्या चक्कर है? तीन सर पहले तीन नहीं, ये पहले देखो कि 3 और 7 आपस में कैसे संबंध है नंबरों का, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, या क्या है? चार्ट निकालिए, कंपैटिबिलिटी वाला चार्ट। सर न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल है, और एक सात सात के के कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंडली है सर, सात के फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट है, में फ्रेंडली हम किसके कॉन्टेक्स्ट में चार्ट देख रहे हैं? है सर, सात उसकी के गर्ल कॉन्टेक्स्ट की में, सात गर्ल के कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। अब बोलिए, सर फ्रेंडली है। ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है वो 4 है, तो वो कैसे पर्सनालिटी का रहेगा, इसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा वो नंबर 4? नंबर 4 इस पर क्या प्रभाव डालेगा, डोमिनेट करने सोचिए। की कोशिश करेगा यस, ओके, ये 8 है तो ये क्या कर देगी, सोचोगे ना? वो डोमिनेट करेगा, और ये क्या कर देगी, एक टाइम के बाद लड़ाई। फाइटिंग, न्याय के लिए, क्योंकि और थोड़ा फिर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सर, नहीं कर पाएगी, बस्ट हो जाएगी ना। 3-7 3-7 ठीक है, चलो एक पॉजिटिव नंबर, यू कैन कॉल एज ए पॉजिटिव नंबर। अब यहां पर देखो दोनों के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है, सोचे देखो कौन से नंबर मिसिंग है। फाइव एंड सिक्स। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कैसे एनालिसिस करते हैं, पर्पस ये में सर फाइव सिक्स ये सेवन कहीं लिखा हुआ है, ये चीजें कहीं लिखी है नहीं है ना, ये दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ। आप कौन से नंबर मिसिंग है? फाइव एंड सिक्स सर। अब ये दोनों के पास 5 और 6 मिसिंग है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के रिलेशन पर?
चलिए बोलिए। है कोर, छह मतलब कनेक्टिविटी, विनर, नहीं, सात कनेक्टिविटी। कंटिन्यूटी सर, कनेक्ट कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, ओके रिलेशनशिप, फाइन, या रिलेशनशिप, और एक सिस्टम, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के रिश्तों पर? बोल सकते हो? लाइफ के कोर पे कंटिन्यूटी के साथ नहीं रह पाएंगे, मतलब रिलेशनशिप की कोर ब्यूटीफुल चलेगी नहीं ब्यूटीफुल, इनकी तो। यस। अब यहां पर देखो, हस्बैंड के अंदर कौन सा नंबर मिसिंग है? सिर्फ क्या फाइव सात सिक्स है? सेवन नहीं सर, फाइव सिक्स सेवन मिसिंग है, तो जो रिलेशनशिप के बनना है वो नंबर ही मिसिंग है उसके वो अंदर, तीनों नंबर मिसिंग है। नंबर मिसिंग, तो क्या प्रभाव पड़ेगा चार्ट? देखिए, मैरिज के लिए कम से कम चलने के लिए क्या सिक्स नंबर होना चाहिए? चाहिए, नहीं, सात तो भी चाहिए, पांच चाहिए। पांच और सात है तो 50% गाड़ी चल जाएगी। पांच भी नहीं है, सात भी नहीं है, छह भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गाड़ी ब्रेकअप हो जाएगा। तो शादी के लिए बैलेंस बनाने के लिए कम से पांच तो चाहिए ही चाहिए, छह तो चाहिए ही चाहिए, मगर पांच भी नहीं है इनके पास। अब छह एटलीस्ट हो तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस मतलब चल जाएगी गाड़ी, छह एटलीस्ट संभाल लेगा। अब ये बताओ कि इन्हें आप रेमिडी क्या दोगे? सब बच्चे, हम लड़के को निकाल देते हैं पास, अभी लड़का नहीं हुआ उनका, समझते हैं इसे 2 मिनट के लिए। इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, क्या रेमिडी दोगे? सिर्फ 5 और 6 की। यस, 5 और 6 की दोगे। यहां पर एक पॉइंट, ये प्रॉब्लम हस्बैंड के साइड से आ रहा है या वाइफ के साइड से आ रहा है, ये बताइए मेरे, ये सोचिए जरा, पहले ये सोचिए किसको दोगे रेमेडी। ये आपके पास केस रेमेडी आया, तो दोनों को देनी पड़ेगी 5 और 6 की, और ज्यादा प्रॉब्लम गर्ल वाह, की साइड से, क्योंकि 777 है उनके में। एक तो 777 है, इसका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 9, नहीं, और उसका उसका 4 और 1 फोर वन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं। यहां पर एक पॉइंट याद रखो, इसके पहले भी मैंने समझाया कि ड्राइवर जो है, हिंदी वाले वर्ड यूज करो, ब्यूटीफुल है, मूलांग और भाग्या, भाग्य मूल क्या है इसका? सर, मूलांक जजमेंट, के सेवन एट जजमेंट, जजमेंटल नेचर है, जजमेंटल जजमेंटल है। और नौ क्या है? एग्रेशन सर, ऑडिट ऑडिट कर देना, एग्रेशन को छोड़ दीजिए, ऑडिट कर देना। नौ नंबर क्या है? ऑडिट का नंबर है। ऑडिट कर तोल देना, जजमेंट तोल देना, तो क्या हो जाएगा इससे? तो रिलेशनशिप में हर छोटी छोटी चीज को जज करके क्या करेंगे। ये खाली वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप में ये काम करेगी या हर एक के साथ करेगी? सही, ये सबके क्वेश्चन साथ का, ही करेंगी, सबके सबके साथ होगा सर साथ उनका, उनका। बाकी जगह कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रिलेशनशिप आए तो भी, मगर जब वाइफ एंड हस्बैंड के आती है तो लोगों को नजर आता है। तो यहां पर हस्बैंड के कारण रिलेशनशिप है या ये लड़की के कारण प्रॉब्लम? पहले ये देखो, मैं लड़के में सर कोई गर्ल की लड़के वजह से कम, गर्ल के कारण है ये, क्योंकि ये तो 8 और 9 है और 7 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया? आइसोलेटेड होकर जजमेंट करके कर दे रही है, ऑडिट कर दे रही है, मतलब क्या हो रहा है? 3 और 4 मिसिंग होने की वजह से सर किसी की बात सुनने और समझने की कोशिश भी नहीं करेगी। दिमाग ही नहीं लगाएगी ना, उसके ऊपर कोई ज्ञान होगा, किसी का नॉलेज भी लेगी नहीं, और बड़े लोगों को, बड़े लोगों से कनेक्टिव, मतलब लोग, बड़े लोगों का भी बात को मानेगी भी नहीं। ओके, अब चार जो मिसिंग है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए ओके, वो अभी रिलेशनशिप क्यों नहीं है इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ओके अब वो यहाँ लॉजिकल पर लॉजिकली नहीं सोचेंगे ना अगर फोर नहीं होगा तो, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में आप चीजों को समझने के लिए उसके लॉजिक को समझना पड़ता है, वो नहीं समझ पाएगी। अब आगे देखते हैं कि इन्हें हमें रिलेशनशिप बचाना है तो क्या रेमेडी दोगे? लिख लीजिए, हम इन दोनों को नहीं देकर, इसके हस्बैंड को भी नहीं देंगे, इस लड़की को देंगे 5 और 6 की रेमेडी, क्योंकि 2 नंबर मिसिंग है, इसे इंटेक करना पड़ेगा और 7 नंबर को डोनेट करना पड़ेगा। बस उतना याद रख लीजिए, बस तो आपको पता है कि कौन सी रेमेडी दो। ओके और याद रखो, प्रॉब्लम कितना क्रिटिकल है उस रेमेडी को दोगे? प्रॉब्लम क्रिटिकल है या सिंपल प्रॉब्लम? सर क्रिटिकल क्रिटिकल, है, क्योंकि वो 7 3 बार भी रिपीट हो रहा है, 5 ऊपर से 2 नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिटिकल है या सिंपल है? सर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सर गया ना। क्रिटिकल है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसको हम ये रेमेडी देंगे। ऐसा में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अब ये सिचुएशन जब ये कैरी कैरी कर रही थी, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बदलाव आया है, या ऐसे कह सकते हैं जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तो थोड़े बिहेवियर पैटर्न चेंजेस आए थे, तो रिलेशनशिप थोड़ी सी सुधरी है। ओके अब डिलीवरी के बाद जो सिचुएशन थी पहले वो काफी है, क्यों हुई? उनके बेटे के डेट ऑफ बर्थ की वजह से 6। अब उसके उसका उसका चार्ट निकाल, मैं बताता हूं, उसका चार्ट में देखिए दोनों के बीच में कॉमन नंबर बैलेंस कर रहा है। सर 276। 276 आ रहा यस सर। है। 276 हस्बैंड में क्या है, मिसिंग है या नहीं? सर सर 76 मिसिंग है ना। 7 और 6 मिसिंग है, यस सर। गर्ल और इसके इसके चार्ट में 6 मिसिंग है। 6 6 मिसिंग है सर। मिसिंग है। हो रहा निकालिए, टाइम दिया क्या मैंने यस सर। बच्चे का? हो रहा टाइम, टाइम नहीं है नहीं सर, दिया सर, टाइम नहीं नहीं दिया। दिया उनको, उन्होंने नोट करना भूल गए हैं, उसके पास जाके हॉस्पिटल। आप यहाँ पर देखिए, इसका ड्राइवर निकालिए, बच्चे का कंडक्टर निकालिए, चार्ट बनाइए जल्दी से। यहाँ पर आप लोग देखिए इसके शादी वाला डेट क्या है, उठना। अब उसके ग्रिड के अंदर कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं? आपको याद है मैंने एक बार बताया था फैमिली ग्रिड, याद है? यस सर। देखो तो वाइफ है, हस्बैंड है, दोनों को बचा के कौन रखते हैं? जैसे या ऐसे कहूं कि पटरी है, दो पटरी को बांध के कौन रखते हैं बीच में, जो लगाते हैं आजकल तो सीमेंट के यस ब्लॉक्स लगा रहे हैं, या पहले लकड़ी लगाते थे, हुक लगाते थे, लगाकर उन दोनों को बांध के रखते हैं, इनके दोनों के बीच में कौन बांध के रखा है? सर। उनका बच्चा उनका बच्चा। तो अब बच्चे का चार्ट निकालिए,
बच्चे का चार्ट निकाल कर देखिए। अब हाँ यहां पर मुझे ये बोल सकती है शालिनी कि आप, मैंने नाम क्यों नहीं कंसिडर किया है? क्या नाम से चेंज करने से इससे कुछ वो होता पर मतलब नहीं? सर, नाम का खुद की पर्सनल लाइफ पे होने वाला जो इफेक्ट है, प्रोफेशनली आप जो सक्सेस रेट है उस पे ज्यादा इफेक्ट आता है। हाँ, तो मैं तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप देखा हूँ ना, इसीलिए इनका नाम नहीं चेंज किया हूँ। कल करूंगा कपाला पता। चलिए, अब पार्वती जी बताइए कि दोनों के बीच में कौन से नंबर रोल प्ले कर रहे हैं, और अब उसका वाइफ का और हस्बैंड का पर्सनल ईयर निकाल दिया। सर वाइफ का पर्सनल ईयर 3 है, थ्री है, और हस्बैंड का हस्बैंड का पर्सनल ईयर 1 सर 4। अब इसके पर्सनल ईयर 3 है ना, इसके यस सर, चार्ट में मिसिंग है पहले सर मिसिंग है, क्लियरली मिसिंग है। मिसिंग है। तो अभी पर्सनल ईयर 3 आया है, ये ड्राइवर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा? सर 8 और 3 का तो फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, फ्रेंडली नहीं, कॉम्बिनेशन आपने कब का निकाला पर्सनल ईयर? जब बेबी सर। हुआ था, जब जबकि बात कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, अभी का नहीं, उस टाइम ओके का सर, पर्सनल ईयर निकालो। आप लोगों ने अभी का निकाला, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों को जब खाना बनाते हो, ओके, और किताब पढ़े हो, और बनाने में कितना अंतर आता सब बहुत है? जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, वहां पर आपकी लॉजिक डेवलप, आपकी लॉजिक यूटिलाइज होती है, ओके। डिफरेंट वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे क्या करने पड़ते हैं? बाजू रखने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का मिक्स बनता है, मिक्सर बनता है वो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि केस जब करोगे तो थ्री पार्ट एक सपोर्टिव के चैप्टर नहीं होता है, इसे अपने हिसाब से मोल्डिंग करनी पड़ेगी केस को समझने के। पर वही सर पॉइंट मैंने, हाँ जी, उस वक्त तो उनका 1 था। वन था। क्योंकि अब आया मजा। 1 और 8 को एंटी हो गए। आप बोलो क्या प्रॉब्लम फेस करी होगी? सर हेल्थ इश्यू फेस किए होंगे। और आप बेबी का टाइम क्या था, वो डेट क्या था उसके? 9 मंथ निकालिए पहले उसको। बेबी सर जब, बस बेबी का डेट ऑफ बर्थ से 9 मंथ पहले निकाल। एक अच्छी तरह से समझ करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट, अप्रोक्स 9 मंथ निकाले सामने उसके, अप्रोक्स बेबी का क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर बोलिए पूनम जी, क्या है था उसका पर्सनली 9 मंथ बिफोर? सब सितंबर होगा देखिए, मुझे याद नहीं, मुझे पूछा कौन से। सर, 9 था उनका किसका? सर, लड़की का 9 आप बोलिए मुझे, वहां पर पर्सन या 9 का क्या प्रभाव पड़ा होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। 9 नंबर क्या, इतना हिंट दे सकता हूं, 9 नंबर क्या करता है?
सॉरी ऐसी की तैसी कर देगा। और मतलब नेक्स्ट साइकिल के लिए जाने के लिए आपको तैयारी करेगा, वापस आएगा ना, 9 के बाद फिर से एक आएगा ना, वन आएगा सर, वन नाइन वो आएगा, देखे जाता है जो वन आपने करके मतलब जाता है। तैयारी कर। अब बताइए, मगर उसका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 1 है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको डबल स्टार डालकर इसी केस को कल वापस इस पॉइंट को गौर कीजिए, क्या प्रभाव पड़ेगा 8 और 1 का इसके। अरे इनका ना चलो, नहीं, मैं भी दशा सिस्टम पे नहीं जा रहा हूँ, इसको मैंने सोचा कि लोशो ग्रिड बेसी ले, तो दशा प्योरली वैदिक ही होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हो, कवर किया था वो कवर कर दिया मैंने, केस के हिसाब से जो आने वाले 3 केसे पूरे वैदिक पे ही रहेंगे, फिर एक केस रहेगा हेल्थ पे, एक केस रहेगा मोबाइल पे, एक रहेगा बिजनेस, तो आपका जो कवर हो जाएगा। चलिए, हाँ जी बताइए। चलिए हैं हम अपने कोर डिस्कशन पर, कि जो बच्चे का जो ड्राइवर क्या है उसका 6 6 है, कंडक्टर कंडक्टर 7 6 और 7 कॉम्बिनेशन कैसा है? से 65% नहीं, कॉम्बिनेशन कैसा है पूछा, सक्सेस रेट नहीं सर, पूछा, फ्रेंड फ्रेंडली 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 है, फ्रेंडली गुरु और शिष्य का कॉम्बिनेशन। यस सर। यहाँ पर ये जब इसकी डिलीवरी हुई थी तो इसका पर्सनल ईयर क्या था? सर वन वन था सर। वन, यहाँ पर गौर करना, वन था। और इसका ड्राइवर मतलब 1 और 6, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सब वन ऑफ द फ्रेंडली है, फ्रेंडली फ्रेंडली आइडियल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन था। समझ में आ रहा आपको? अब यहां से निकालो इसके हस्बैंड का ड्राइवर क्या है, सब 4 4, 4 और 6 कॉम्बिनेशन कैसा है? सब वो भी फ्रेंडली है, सब सब फ्रेंडली है वो भी, गुरु और शिष्य का ही। जाके देखिए, फ्रेंडली पक्का? है सर। ओके, मतलब पारुल की और शालनी की बनती नहीं, ओके, टाइमिंग के समझते। अब बीच में पूना माँ के दोनों को संभाल के चलती, तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ आपके दोनों की रेमिडी क्या हो गई, इस रिलेशनशिप को लेकर रेमिडी क्या हो गई, पूना हो गई बीच में, तो आपको इंडिविजुअल रेमिडी करने की जरूरत है क्या नहीं सर, रिलेशनशिप को लेकर? सर रिलेशनशिप को लेके नहीं करनी पड़ेगी, अगर उनकी पर्सनल हाँ, लाइफ। इंडिविजुअल, यस, पर्सनल लाइफ को लेकर कर, तो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में रेमेडी नहीं करती, तो बीच में दोनों के रिश्तों को कौन बचा के रखा है? सर 6 नंबर ने, बेबी ने। 6 नंबर, ये बेबी बॉय है, उसने बचा के रखा है। आया समझ में?
और सर ये फिर क्लियर हुआ? रेमेडी हाँ जी, करवाएंगे ना सर, हाँ 5 की तो रेमेडी करवानी पड़ेगी ना स्टेबिलिटी के लिए, हाँ वो इंडिविजुअल बहुत रेमेडीज ज्यादा करानी, रिलेशन। उनको इंडिविजुअल 6 की भी रेमेडी करवानी पड़ेगी। नहीं सर, रिलेशनशिप के लिए भी करवानी पड़ेगी, कि 5 इनके पूरी अगर फैमिली किट बनाते हैं तो 5 मिसिंग आता है रिलेशनशिप। हाँ वो तो 5 6 5 की रेवड़ी तो करानी है, ये तो करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप को लेते हुए 6 की रेमेडी हो चुकी है, वो यस सर, बता रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअल रेमेडी करानी पड़ेगी। अब ये हो गया, आया समझ में, रिलेशनशिप को ऐसे देखा, क्योंकि जब केस करते हो कि जरूरी नहीं है कि आप कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते नहीं करते, ये आपकी अपनी लॉजिक है कैसे ड्राइव करते हो। आप शालिनी को बोल दें कि रोटी ऐसी बननी है, बना पाओगे क्या? आप रोटी बनाओगी अपने हिसाब से, ना कि बुक में जो लिखा हुआ स्टेप स्टेप फॉलो कर सकती हो क्या? सर नहीं कर सकते ना, तो वो सपोर्टिव के रूप में हो सकते हैं। ओके ना, यहाँ पर मैंने उसको वास्तु की भी रेमेडी दी है, कभी उसको घर का वास्तु करना है तो कल आएंगे उसे, वो के ससुर हस्बैंड आने वाले। अब यहाँ पर रेमेडी क्या करोगे वास्तु में, पर देख सोच, अब थोड़ा ट्विस्ट करो टुवर्ड्स द वास्तु। आपने तो देखा कि रिलेशनशिप हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिलेशनशिप के कौन से कॉन्टेक्स्ट है वास्तु के 16 जोन में? नहीं बोलूंगी, बाकी किसी ने इन दोनों में से किया नहीं है कोर्स। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में इशू डेफिनेटली कोई ना। मैंने इसीलिए बोला था कि इतना बढ़िया कोर्स कभी नहीं हुआ, इतना लंबा, पारू को बोला भी था, नहीं किया था, नहीं किया ना, इतना लंबा कभी भी नहीं, उतना ड्रैग कर ही नहीं सकता अभी तो। आज अभी सब कंडीशन चेंज हो चुके हैं नाउ, क्योंकि मेरे पीछे ऊपर एक नहीं चार चार सर बैठे हैं, मैंने अपना 40% आज इसीलिए तो वहां से मूव हुए हैं पहला। ओके, अब पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन टू माई कंपनी, अब दे आर ड्राइविंग माई ड्राइविंग, मैं तो बैकेंड में भी सब हो रहा हूँ बट ड्राइविंग वही रहेंगे। इसमें मेरा भाई भी इन्वॉल्व हुआ, उसका फ्रेंड भी इन्वॉल्व हुआ है, मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, ये जिसका जो ये है ना, ये शेयर मार्केट वाला, वो इन्वॉल्व। तो उतना लंबा केस, क्योंकि अभी टू द पॉइंट होगा, यस इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया। चलिए अब चलो बता दीजिए शालिनी, अब वास्तु के अंदर क्या क्या रेमेडी है? अब ये तो ठीक है रेमेडी दोगे, क्या गलतियां हो सकती हैं वास्तु के अंदर सोच के देखो, है वहां पर मिल रहे हैं? सर एक्चुअली जितने इनके रिलेशनशिप के इश्यूज से दिखते हैं, NNW में इश्यू होगा, नॉर्थ ईस्ट में इश्यू होगा, साउथ वेस्ट में तो इश्यू होगा ही होगा, ये 3 जोन तो कंफर्म है। पीएससी में भी होगा, क्योंकि शायद कई बार रिलेशनशिप में हम बहुत ज्यादा, जितना ये 7 नंबर आ रहा है चर्निंग ज्यादा होती हो, मुझे अभी ये 4 जोन लगते हैं। अब यहां पर निकालो इसके चार्ट के अंदर 7 क्या है, केतु, केतु का डायरेक्शन कौन सा होता एस्ट्रो वास्तु का वेट कर रहे हैं हम तो। है बताइए। सर रेमेडीज जो थी ना वो वाली कौन सी, उसके हिसाब सबसे पहले से फिर एक नॉर्थ याद ईस्ट रखो, होते थे। बताता हूं, मैंने उनसे पूछा है
कि मैरिज फोकस कहाँ रखी है और मैरिज कार्ड जो था वो कहाँ रखा हुआ, सोच के देखो। SSW सर, नहीं, TSC में रखा हुआ है, चैटिंग जोन में रखा हुआ। ओके। मैंने ऑन द स्पॉट जूम पे ही मीटिंग हुई थी और मैंने वहां से और एक रेमेडी वो करेक्शन किया है। अब सेकंड क्या किया, अब क्या कर सकती सेकंड? सर उन दोनों की तस्वीर साउथ वेस्ट में लगवा सकते हैं मैरिज की। नहीं, अब मैरिज की यहाँ पर फोटो लगाओगे या बच्चों के साथ फोटो लगाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन। सर क्योंकि अभी फेस इशू वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में कर रहे हैं, तो उन दोनों की सिंगल साथ में फोटो लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट है। सोच के बोल, सोचो। वो रिलेशनशिप का जोन है, जरूरी नहीं है वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप को। सर इन दोनों को जोड़ बच्चा रहा है ना, उसके 6 नंबर से हाँ जुड़ाव आ रहा है ना, तो यस तीनों की फोटो लगाएंगे। यस यू आर राइट, तीनों की फोटो लगाएंगे क्योंकि दोनों, आप दोनों की फोटो लगा दे फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। वो अच्छा उनको जोड़ने की कड़ी को साथ में। कड़ी, यस यस, ये मेरा अपना एनालिसिस है, लिखा हुआ नहीं है। ओके नेक्स्ट, क्योंकि हर एनालिसिस जो है वो आप पर डिपेंड है ना कि बुक की शक्ति। और क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को बचा कर? यहां पर थोड़ा हिंट दे देता हूं, एस्पेक्ट के चार्ट के अंदर 1 एंड 4 है। यस वन सर, एंड फोर कौन क्या करता है, जाके देखिए कॉम्बिनेशंस। पूरन पंचलाइन, पंचलाइन में देखना पड़ेगा। रंग से राजा सर। हाँ, इसका जो हस्बैंड है ये बहुत, जब फैमिली बिजनेस को लिया था और आज 10 टाइम्स बिगर बनाया है। हाँ, राजा से रंग नहीं है, मगर जब लिया था वो 1 रुपए का था वैल्यू थी, आज उसे 100 रुपए की वैल्यू बना, 10 टाइम्स बढ़ा दिया। इससे एग्जाम्पल, 10 रुपए की थी, 100 रुपए बना, 10 टाइम्स, तो वो भी काउंट कर सकते हैं। राजा से रंग का मतलब ये नहीं कि वो 0 से 0 बनेगा, ऐसा नहीं। सर रंग से राजा आपने उल्टा हाँ बोला। अच्छा, हाँ रंग से राजा, जरूरी नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट करे, मगर जहां से स्टार्ट किया उसे कई फोल्ड बना दे। चलो अब समझ में आएगा केस। और इसके अलावा अब दोनों के रिश्तों में मधुरता लाने के लिए क्या करो, उसके अंदर भी बोल सकते हो या नहीं, व्हाट एवर यू। वास्तव में ये तो देखना पड़ेगा इनका बेडरूम कहाँ पे है, उसकी भी शिफ्ट करवा सकते हैं अगर गलत जोन में है तो, यस, मैंने देखा नहीं, अभी देखा नहीं, क्योंकि उसका ये तो इफेक्ट के। बहुत, क्योंकि सर रिलेशनशिप के अगर जैसे अभी मैंने एक दो केसेस देखे अब एनएनडब्ल्यू ये एक और में एक चीज आता है तो बताता भी हूँ, इशू होता है, NNW है एनएनडब्ल्यू में इसको, किचन हो होता है तो सब बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। सकता वाटर में फायर आया तो। और एक चीज को क्या करोगे, अब सपोज यही क्लाइंट आपको वास्तव में नहीं करवा रहा है तो क्या आप गाइड कर सकते हो? ये तो ठीक है, ये इसको मैंने वो किया है, अलग बात है, बट हर आदमी जो है वो वास्तव में नहीं जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं खर्च करेगा।
बट हर आदमी नहीं कर सकता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप समझिए। तो क्या करोगे मधुर संबंध के लिए? सर लव बर्ड्स रखवा सकते हैं। लव बर्ड्स रख पा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? SSW में येलो वैक्स रख पा सकते हैं, वेस्टेज डिस्पोज ऑफ हो जाए हाँ अनवांटेड। और ना, बिना ग्रीडिंग के अगर हम ऐसे करवाते हैं ना, बहुत इशू हो जाते हैं, क्योंकि SSW एंड साउथ वेस्ट बहुत माइनर लाइन पे होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। यस आई एग्री विथ यू। मैं आपको डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हाँ सर, इम्प्लीमेंटेशन वास्तु का ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली जो डिस्पोज, क्योंकि वो 4 स्टेप मेथड फॉलो करके ही करना है, बट जनरल ऑफिस में जाके कहाँ पर देखेगा, साउथ SSW कहाँ पर देखेगा एग्जैक्टली? और क्या कर सकते? उनको प्लांट कर लगवा सकते हैं कि वो प्लांटेशन लगाते हैं अगर ईस्ट साइड में कहीं पे, तो वो शायद 5 को एक्टिवेशन भी हो जाएगा, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। वो ठीक है, और क्या कर सकते? ये नहीं जोन में क्या कर सकते? ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। सर वहां पे ये नहीं जोन में उनकी फैमिली फोटोज भी लगा सकते हैं ताकि वो बॉन्डिंग और उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते। चल आया समझ में केस। पहले केस बताया था, किसका था वो? श्यामलाल जी का। श्याम किसका क्या था उसका? सर आपने उनका नाम नहीं बताया था। हाँ नाम नहीं बताया, सॉरी। जिस मुझे लास्ट टाइम बताया था केस, वो केस और ये केस में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस है? हर केस आपको अलग ढंग से सोचना होगा, ना कि सेम मेथड से। ये कभी भी मत सोचना कि सेम A to Z स्टेप्स है तो आप फॉलो कर दोगे, नहीं। इसके लिए मैं एक सजेशन देता हूँ, एक केस को लीजिए, उसके पॉइंट्स को लिखिए, उसके प्रॉब्लम क्या है लिखिए, और उसको चार्ट बनाकर जब डिसाइड कीजिए कि इसके प्रॉब्लम से कहाँ कैसे निदान दे सकते हैं। नहीं तो एक हाइपोथेटिकल जस्ट ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, और ये लगा लीजिए। मत करना, सर यहाँ पे आपने जो मैरिज डेट दी थी उसका भी इफेक्ट आएगा इनकी रिलेशनशिप में। देखिए करके देखिए अभी। क्योंकि 3 साल अगर ये रिलेशनशिप चला है प्रॉब्लम्स के साथ, डिवोर्स होते होते बचा, तो क्योंकि उनकी डेट शादी की डेट में उसका जो टोटल देखते हैं तो 6 आता है और वो 5 भी दे रहा है, तो शायद उस वजह से वो 3 साल चला और आगे बेबी की वजह से कंटिन्यू हुआ। अब सोचिए क्या हो सकता है। अब वहां पर ये देखो, वो दोनों कंबाइंड, दो एनर्जीज कौन से नंबर से जुड़ी है, कब कौन से पॉजिटिव नंबर एनर्जी से जुड़ी है या निगेटिव? सर उनके 15 है तो 6 आया वो भी, तो वो दोनों के लिए फ्रेंडली है। यू आर राइट। तो 2 साल 3 साल तक चली रिलेशन, बाद में क्या हुआ आप बोलो? वो साल तक अच्छा था, बाद में नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा? हाँ जी, पारुल जी, मैरिज डे का ड्राइवर कंडक्टर का 6 और 9 सर।
और नाइन। यस सर, बट 9 18 से आ रहा है। 18 से चलेगा, वो चल जाएगा, वो नाम के लिए है। अब ठीक है वो 18 से आएगा, बट मेजर ड्राइवर क्या है? 6 8 सिक्स। क्या वो जो सिक्स है वो दोनों के ड्राइवर से कंपेटेबल है? यस सर, 4 6 8 6 ना, फाइन। तो जो सिक्स है और वो सिक्स क्या हुआ बाद में? सेवन हो गया। सेवन के बाद क्या हो गया? वो थोड़ी ना चेंज होगा ड्राइवर, पर्सनली क्या चीज? सकता है ना सर। कोई सिक्स पर्स बाबा, मैरिज डे के बाद क्या आएगा पूछो? मैं मैरिज ईयर था ना उनका, क्या था? 6 आया था ना, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नहीं सर, तो फिर वो कंडक्टर हुआ 9 सर। कि मैरिज डे का ड्राइवर क्या है? कंडक्टर। सर ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 9 है। कंडक्टर 9 है, तो वही तो बोल रहा हूँ। 6 क्या है? उनके दोनों के ड्राइवर से क्या हुआ? सर फ्रेंडली है सर। फ्रेंडली है। और 9 क्या है? मैं डेट को निकाल रहा हूँ, मैं उनके पर्सनल ईयर को नहीं निकाल रहा हूँ, यस सर, उनके डेट को निकाल रहा हूँ। उस डेट, उस जिस दिन शादी हुई उस ईयर, उसका ड्राइवर कंडक्टर निकाल रहा हूँ एंटी है सर वो ना। तो। कैसे एंट्री है? सर कंडक्टर से कंपेयर करना है तब तो 9 चलेगा, बट ऐसे एंटी है। फोर नहीं, एट ड्राइवर ड्राइवर कितना है उसका? ड्राइवर 6 सर। 6 है ना, 8 और 6 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 8 और सर 6 एट और एंड सिक्स 4, 4 और फ्रेंडली है सर, 6 फ्रेंडली है, 4 और 6 है, है सर। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये कहीं लिखा हुआ नहीं। अब दोनों का पर्सन ईयर निकाल लीजिए, चलो वो भी कर लीजिए। जिस दिन ईयर ऑफ शादी हुई थी उस दिन, उस ईयर का पर्सन ईयर निकाल। उसका पर्सन ईयर निकाल दीजिए तो, और दोनों के लिए कंपेयर कीजिए, 6 के साथ कंपेयर कीजिए। तो 7 बॉय का 8 पर्सनल ईयर था, तो वो भी 6 के साथ फ्रेंडली है। यस दोनों भी फ्रेंडली है। क्या सर, मैरिज का कोई डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था? आप यहां पर, मेरे पास डाटा नहीं है, मगर आप ये देख सकते हो कि इनका मैरिज टाइम क्या था उसी। ऐसे में यस सर। मैरिज टाइम प्रोग्राम निकाल कर देखिए क्या उनके ड्राइवर और कंडक्टर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन से हो रहा, और नवांश में शादी हुई, ये भी चेक कर सकते हो। कभी अभी नहीं है मेरे पास डाटा उसका, क्योंकि वो रिलेवेंट था, मैंने पूछा नहीं, मगर कर सकते हो। कभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन गो एंड चेक दैट हो रहा, कौन से हो रहा, मैं पॉजिटिव हो रहा मैं आया है, निगेटिव हो रहा। इसीलिए मुहूर्त बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है। ठीक क्लियर हो गया? सर मैं आ गया आपको कहां से कहां ले जाना है, एक कंप्लीट पाथ आपको आना पड़ेगा। अभी तो ये किया है, यदि आगे कभी एस्ट्रोनोमी का मौका मिलेगा तो इसे हम एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़ देंगे, चार्ट के साथ भी जोड़ देंगे, और साथ साथ इसके एस्ट्रोलॉजी की दशा और महादशा को ड्राइवर के साथ जोड़ देंगे। दशा महादशा वैदिक वाली चलती होगी ना एस्ट्रोलॉजिकली। सर अब देखो भाई, गाड़ी है कैसे चला सकती हो आप? अब देखो मैं बताता हूं, पर्सनल ईयर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है,
अब ड्राइवर जो कंडक्टर है वो आप सपोज किसी का लेते हैं, शनि और क्या था, मार्स था। मार्क्स ड्राइवर कौन से घरों को हाउसेस को प्रभावित कर रहा है, देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। ओके अब पर्सनल ईयर सपोज एग्जाम्पल के लिए इसका चल रहा था मार्च का चल रहा शायद ना पर्सनल ईयर उस टाइम पे शादी के वक्त केतु सर 7 चल रहा था। सेवन चल रहा था। तो सेवन केतु कौन से घरों को प्रभावित कर रहा है, एस्पेक्ट देख रहा है, आप वहां भी देख सकते हो। और कितने वो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं उसको भी आप कर कर प्रिडिक्शन कर सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी। नहीं तो आप नाइन स्टार न्यूमरोलॉजी भी आप नहीं सीखी है उसके हिसाब से भी आप करते हो कौन से हाउसेस उसको प्रभावित कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन में। देखिए आप लोगों ने अभी न्यूमरोलॉजी में नॉट मोर एक कंसल्टेंट बनने के लिए आप लोगों को एक अलग ट्रैक में जाना पड़ेगा। और अलग ट्रैक मतलब कंप्लीटली अलग ट्रैक, यूनिक ट्रैक होना चाहिए। तो आप लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए और जब तक केसेस पर काम नहीं करोगे तब तक यू बिकम ओनली थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बनने के लिए केसेस पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक केस से रिलेटेड इशू, हाँ जैसे एक नो है जिनकी शादी नहीं हो रही, मतलब वो उसी को ले, उनके फैमिली पर्सन से पूछे उसी चीज को लेके परेशान है। ड्राइवर कंडक्टर मिसिंग, ओके 4, 5 एंड 6 यही वाला सिचुएशन, तो उनको क्या रेमेडी देनी चाहिए शादी की? पहले पूरा वैदिक चार्ट बनाइए, उसका पूरा लोसो चार्ट चार्ट बनाइए और पोस्ट कर दीजिए मुझे, फिर मैं पूरा देख कर बोलूँ। ओके सर, उनका नाम नाम करेक्शन भी क्या कर रहे हो तो सब पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इस केस के लिए आपको कंप्लीट केस करना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं लोसोगीट बेस, और वैदिक वैदिक पेट और नेम करेक्शन तीनों करना पड़ेगा। इस केस में जरूरत नहीं थी मेरे वाले केस। चलिए जी पूनम जी कैसे रही क्लास? सर क्लास तो इतनी अच्छी है, मतलब लग रहा है बहुत कुछ ही मिस हो गया इसमें। ऐसा लग रहा है मैं बीए की क्लास में नर्सरी क्लास। और पारुल जी कैसी लगी आपको, क्या बहुत अच्छी सर, सीखा? काफी डाउट क्लियर हो गए नहीं, क्या रिलेशनशिप को सीखा? लेके। नहीं, वो तो ठीक है, क्या सीखा आपने वो ठीक है, रिलेशनशिप को समझ में आ गया, मगर मेरा क्वेश्चन ये है आपने क्या समझा या क्या सीखा और क्या इम्प्लीमेंट करना है। सर वही है कि नंबरों को किस तरह देखें और क्या उसको कैसे सही बड़ा के लिए क्या करना पड़ा? वही पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पूरी। पूरी प्रिपरेशन करके वो अपने हिसाब से मोल्ड करनी पड़ेगी, यस सर, नहीं तो थियोरेटिकल नॉलेज बच जाएगा। बस थियोरेटिकल नॉलेज, अदरवाइज बहुत मुश्किल है केसेस को रिजॉल्व करना। सर एक और इश्यू आता है, हाँ हम क्लाइंट को दें क्या वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें ड्राइवर कंडक्टर तो समझाना पड़ता है, ऑब्वियस है नेम भाई, सर। अपने भाई एक आपका सुनो, आपका प्रॉब्लम ये है, ये दशा है, ये दशा है, ये पर्सन ये है, आपके प्रॉब्लम के लिए ये रेमेडी है, कब तक करनी है कैसे कर, इससे ज्यादा बीच का पूरा आप अपने लिए है ना कि क्लाइंट के। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना उनको कि ये चीज नहीं आ रही है। बचा ये चल और ये चीजें को आप अप्लाई करोगे तो आपको निदान मिलेगा, अदरवाइज
पूरा जरूरत नहीं है, पूरा राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 उस बंदे को 10 मिनट में से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। देते हाँ का नहीं, जब आप हाँ यस रेमेडी देने से आपको एनालिसिस के लिए लग सकता है 1 घंटा लग सकता है, बट उसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ कोई बंदा इंटरेस्टेड है जानने के लिए आपने कैसे किया है तो आप डिस्कस कर सकते हो इफ यू विलिंग इट, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कि सर मोस्टली यहीं पे परेशानी आती है कि उनको देना क्या है, वहां पे आके अटक जाते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास केस है, इनके पेशेंट है 4 केस, तो मुझे ये हाँ तो उनको रेमेडीज ही लिख के देनी है या क्या करना है ये समझ। बस आपका प्रॉब्लम ये है, ये दशा चल रही है वैदिक हिसाब से किया, इसका परिणाम ये हो रहा है, आपका समाधान ये रहेगा, बस 4 पॉइंट, बस उससे ज्यादा नहीं। पूरा आप गुरु जी किताब खोलकर उसे पढ़ाने की कोई एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या नहीं सिंगे वो पूरा पूरा अपनी किताबें निकाल के समझाते हैं क्या? नहीं सर, फिर क्योंकि सर क्या होता है ना कि आजकल न्यूमरोलॉजी को लोग जो यूट्यूब पे वीडियो आता है ना, आधे तो वो नॉलेज लेके आते हैं कि हमारा ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये, बीच का, फिर वो खुद बहुत सी उससे लेके गलतियां करके आते हैं। भाई आपको गलतियां वाला करना रेड है कलर के यूट्यूब पे, कपड़े पहनता है क्योंकि उसको लगता है वन मेरा कंडक्टर ड्राइवर है तो मुझे रेड कलर अलाउड है, वो उसकी वजह से वो वैसे ही परेशानी झेल रहा होता है। मालूम है ना, तो वो लकी कलर्स निकाल के ला लिया, वो ड्राइवर कंडक्टर को लकी कलर मांगते हैं, वो गलत है। सर चलिए एनी हाउ वी हैव कंक्लूड इन द क्लास। चलिए तो इस तरह से कहूंगा कि एनालिसिस शुरू कीजिए, ये अब मेरा मेथड है, जरूरी नहीं है कि आपको यही मेथड कॉपी पेस्ट करोगे तो फेल हो जाओ, अपने इसका अपने फ्लो को बनाए रखना है। ओके चले, ओके ओके सर। चलिए चलिए जी, चलिए जी, सबको नमस्कार, गुड नाइट सर। नमस्कार गुड नाइट सर। जी, गुड नाइट जी।